Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को क्योंकि इसमें आपको डेली 7:30 पर मिलता है एक लेटेस्ट वीडियो सॉल्यूशन का या तो डिस्क्रिप्शन का। तो अब आइए शुरू करते हैं। हम करने जा रहे हैं 11A एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, और इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड आई थी इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया। इफ़ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, अगर हर एक एंगल जो है ट्रायंगल का वो बाकी दोनों एंगल्स का सम करने से कम है, शो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हमको शो करना है कि जो ट्रायंगल है हमारा वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने बनाया, उसमें हमने ट्रायंगल के अंदर देखा, सबसे पहले एंगल ए लिया, एंगल ए दैट इज़ लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी एंगल ए जो है वो एंगल बी और सी के सम से स्मॉलर है, तो इसमें स्मॉलर देन का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, एडिंग एंगल ए बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम एंगल ए को ऐड करेंगे, इससे क्या होगा राइट साइड पे हमारा एक एंगल तीनों एंगल आ जाएंगे और उससे हमारी एएसपी प्रॉपर्टी यानी एंगल सम प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐड कर देते हैं, देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए इज़ लेस देन, ये साइन एज इट इज़ रहेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, एंगल ए को ऐड करेंगे दैट विल बी टू एंगल ए इज लेस देन, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, वो हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगले लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में टू हमारा शिफ्ट हो जाएगा, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटी भी सॉल्व होती है, तो एंगल ए हमारा हो जाएगा एंगल ए इज लेस देन 180 डिग्री अपॉन टू, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, यानी हमारे फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा बन गया उसमें आप कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से कम है। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि ईच एंगल यानी हर एक एंगल जो है वो इसी तरीके से है, तो अब हम ए के बाद क्या करेंगे, एंगल बी को इसी तरह कंसीडर करेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल ए और एंगल सी के सम से स्मॉलर है यानी छोटा है। अब एंगल बी को हमें ऐड करना होगा क्योंकि इसमें एंगल बी मिसिंग है हमारा राइट साइड पर, तो बोथ साइड पर एंगल बी को हमने ऐड किया, नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया एंगल बी प्लस एंगल बी, और राइट पे भी एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, नेक्स्ट लाइन में दोनों एंगल बी ऐड हो गए, टू एंगल बी बन जाएगा और एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी हमारा ये मिलकर के 180 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एंगल बी इज़ लेस देन, ये जो टू था इसको शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसने डिवाइड किया तो 90 बचा, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। इससे ये पता लगेगा, सेकेंड इनइक्वालिटी बनेगा, इससे ये पता लगेगा कि एंगल बी जो है वो भी हमारा 90 डिग्री से लेस है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में था ईच एंगल और दो एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, एंगल ए और एंगल बी हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट में हम एंगल सी के लिए जाएंगे और हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि जो एंगल सी है वो हमारा इज़ लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी एंगल सी जो है वो ए और बी के सम से स्मॉलर है, सम करने से छोटा है। एडिंग एंगल सी बोथ साइड्स, क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा एंगल सी मिसिंग था तो उसमें हमने एंगल सी को ऐड कर देना है दोनों साइड पर, तो एंगल सी प्लस एंगल सी ये हमारा लेफ्ट पे हो जाएगा और राइट पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, लेफ्ट पे हमारा टू एंगल सी हो जाएगा और राइट पर हमारा 180 डिग्री एएसपी यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से एएसपी बन जाएगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट लाइन में टू शिफ्ट हो जाएगा और 180 को डिवाइड करेगा, नेक्स्ट लाइन में 90 मिलेगा आपको, तो एंगल सी इज़ लेस देन 90 डिग्री। इस तरीके से हमने तीनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया और ये पाया कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से लेस है। तो हम एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे, फ्रॉम द रिजल्ट 1, 2 and 3 वी कंक्लूड दैट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑल द 3 आर एक्यूट, यानी तीनों एंगल्स हमने ये पाया इन तीनों से कि तीनों एंगल्स ही कैसे हैं, एक्यूट हैं, और जब तीनों एंगल्स ही एक्यूट हो जाएं किसी ट्रायंगल के, जब तीनों एंगल्स ही एक्यूट एंगल हो जाएं
तो उस ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। इसका मतलब ये ट्राइंगल ABC जो है इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। सो इट वॉज द होल सॉल्यूशन।